हुण मन परदेसी है, मन परदेसी आ, ये परदेसी है, आ बाहर जो अखां नूं दींदा परदेस है, ये तो इत्थे रहिंदा तां कहिंदा मैं इत्थे रहिणा, ओए तूं कानू रहना इत्थे तां शरीर है, इत्थे दा तां पर तैनूं इह नहीं पता मैं और मेरा शरीर की आ। मन परदेसी है, इन्हें चलिया जाना छड के शरीर नूं, पर हुण इहनूं भुलेखा है भी शरीर है मैं आ, मैं छड के जाना नहीं चाहुंदा, कन्फ्यूज है की होऊ की नहीं होऊ, इत्थे कन्फ्यूजन है सब नूं, एक कलैरिटी चाहीदी है धर्म की। धर्म का काम है कि मरना की हुंदा है, मरण तो बाद की हुंदा, जीवन तो सानू जीवन तो साडे कोल है, मरना किवें है, असी अपने आप मरना है, जीवन भी असी अपने आप लिया है, जिहड़ा जग जीवन है ना अंदर शरीर का, उन्हें अपनी मर्जी नाल सुरत दा बाहर कढ़ी है, हुक्म होया, पर हुक्म होया भी हुण तू कढ़ सकदा इन्ना चिर वास्ते सुरत बाहर, टाइम है, टाइम बाउंड सुरत है, इहदी बाहर जांदी फिर भरम दे अंडे च बंद हो जाणा इन्हें, क्योंकि मरण लिखाए मंडल में आए है, इन्ना चिर तेरी सुरत तू शरीर नूं वरत सकदा, इन्ना चिर माया झाक सकदा, इन्ना चिर सुन सकदा, क्योंकि कुदरत दिसै कुदरत सुनी है, ये उहदी करामात नाल सुनना चाहीदा, जो उहने अपनी करामात खिचड़ी सुनना ही नहीं, सुन शक्ति है सानूं उहदी दित्ती होई है, कन्ना थाई सुन सकते हाँ असी, एक कला उहदी दित्ती है टाइम बाउंड, मरना का पता नहीं, मर के कित्थे जावांगे ये पता नहीं, ये चाहिदा थी संतां नूं दसना विशा समझाउणा, तां क्या मरता मरता जग मोआ मर पीरां जाणिआ कोए, कबीर कहिंदा ऐसी मरनी जे मरे बोर ना मरना होए, सिखणा तां मरना सी ना, पहलां मरन कबूल जीवन की छड आस, मरन कबूलना मरना नहीं है, मरन कबूलना वो हटकर मरदे ने, मरना नहीं है, वह छाला मनाउण लग गए, उत्ते वो मारन लग गए, लुट्टण लग गए, इहदा मिसयूज करके, मरन कबूलण कहा था सचमुच, काशी वाले मार के उन्हूं आरा लग्या सी, मार के माल सानू दान कर दे, इस नूं भी उन्होंने मिसयूज किया, पखंडवादियों ने, बनारस के ठग ऐवें नहीं लिखिया, ग्राउंड है बनारस के ठग कहण दी, सबूत है, नहीं तो भारत तो विश्वगुरु है, जिड्डा बड़ा पखंड, जिड्डा बड़ा हंकार, जिड्डा बड़ा भरम जाल इंडिया दे विच बुनिया गया है, ता वो ब्रह्म ज्ञान लुप्त होया, कबीर भगत इत्थे पैदा होए ने, होर नहीं किते होए, बाकी वर्ड च इक दिखाओ भगत पैदा होया है, सारे भगत इत्थे पैदा होए, और भगत पैदा हो गया सब कुछ हो गया, फिर खे उड़ा के अखी घट्टा पाता लोगों, अखी घट्टा ही पाते रहे ने, जाते रावण का राज गया अखी घट्टा पाई जाओ जे, पर वो परमेश्वर की करता रहा, देखो की कर रहे ने, ये खेड की है, राजा राम की कहानी है की जड़ी कबीर ने जानी है, परमेश्वर की कर रहे हैं, हर युग युग भगतों पाया, वो युग युग भगतों पाँगा, ये भगतों का उत्ते आन नहीं देंगे, तो कि विरोधी ने फिर यह ठग कि विरोधी होंगे, हक सच का, हक सच का विरोधी है ठग, हक की कमाई तो नहीं खड़ा, ठगी मार के खाना, हक सच का विरोधी ठग होंगे, हक सच दे धर्म के विरोधी ने जड़े, उन्होंने ठग कबीर ता कहता है,
सरकार ही इतने को ठगी मारता, चलो अपने ना गैर कानूनी गल है नहीं, वो गैर कानूनी गल है, ठगी तो केस बनूंगा, जरा तुम ठगी मारू वो तो केस नहीं बनू, वो तो बनू, जे तुसी नहीं बनाते परमेश्वर बनाऊगा। उन्होंने तलबा पौसन आकियां लिखा होया, आवाजा पैनगियां, तलबे जाणगे, जड़े आकी हुए ने सच ते, जड़े परम जाल च फसा रहे ने पब्लिक नूं, सारा परपंच जो रचिया संसार दा परमेश्वर ने ते सुत्या नूं जगाउण वास्ते है, अखां साफ करन वास्ते है, अकल साफ करन वास्ते है, मन साफ करन वास्ते है, मन शीशे वांगू है पारदर्शी बनाउण वास्ते है। हुण पारदर्शी नहीं है, पारदर्शी की है, इत्थे उत्थे दोहां लोकां दा पता होवे, लोक पर लोक दोहां दा ज्ञान होवे, पारदर्शी तां ही है। शीशा तां काला है विचाले, मन तां काला है, दूए पासे कि मैं दिखे, वो मन काला तां नहीं दिंदा, जिस दिन मन साफ हो गया पारदर्शी हो जाणा। जिहड़ा अंदर बैठा है उहने आप ही मन अपना काला कीता होया, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਪੈਰ ਕੌੜਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਜਨਮੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤੇ ਇੱਥੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਓ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, सारे सच के विरोधी ने उतों आए हुए। जिहड़ा सच का विरोध छड्ड दिंदा है इत्थे दुखी हो जाता है, उत्थे तो सुख देखिया होया सचखंड का, पर उत्थे तो लड़के आ गए, सुख हो जा मिलिया नहीं, भालदा फिरदा है, वो सुख भालदा है सचखंड वाला, अविनाशी राज गया होया, इहदा अविनाशी राज आऊगा, हुण अविनाशी राज भालदा, वो मिलता नहीं, अमीर देख ला सब कुछ करके, इन्नी दौलत इकट्ठी कर लूँ, ऐसा साधन कर लूँ, उस सगों डिप्रैशन हो गया, जिन्नी ज़्यादा दौलत की, जिन्हें ज़्यादा सुख पैदा किए, उस समय उल्ट हो गया, हुणे पजल होए हुए करिए तो की करिए, पीस ऑफ माइंड नहीं है उत्थे, पीस ऑफ माइंड सबरां नूं सचखंड च इत्थे है नहीं, क्यों नहीं है, किवें आऊगा, ये है विशा गुरमत दा। वो सुख जिन्हों सुख कहने हैं, परम सुख है, परम आनंद है, उदी प्राप्ति हुण दोबारा किवें होवे, वो अवस्था किवें बने, ये है मसला धर्म दा। मैनू दसो इस विषय ते किहड़ा धर्म गल कर रहा, जिन्हें दुनिया दीआं मत्तां बणीआं ने इस विषय ते किहड़ा गल कर रहा दसो, तो विषय छड़िया होया उन्होंने, धर्म का विषय यही है असल च, जेड़ा जिहदा ये विषय वो धर्म है, वो इको ही है, फिर इको ही हो गया, फिर धर्म दो किवें हो गए, विषय ही एक है, एक विषय है, एक सवाल है, जिन्हें आदमी वह हल जानते हैं एक ही रहो, एक सवाल है, मैं इदा देता जिन्हें ने हल कर लिया वो सारे एक ही ने, बराबर ही ने, उन्हें नंबर ने सब दे, जे जवाब ठीक है सब दे बराबर नंबर ने, इन गल है, उन्हें फर्क में कह दूंगे तुसी, एक दूसरे की नकल नहीं मारी, जे सीख लिया एक दूसरे तो कोई गल नहीं, फिर कला कटे, जब अपना शब्द इंडिपेंडेंट लिखू साबित करूँगा मैं, समझे मैं, अपने मुँह गल कूगा साबित करूँगा, मैं समझ है, व्याख्या करके दिखावे, गल आ कही है, वह थले जो रहस्य है, रहस्य छुपे हुए दसे, गुरबाणी कहती की है, किन्नी गहराई तक गुरबाणी गल करती है, की करती है, की मसला है, ये राजा राम की कहानी है, राजा राम की, राजा राम की है, जोड़ा साढ़े अंदर बैठा राम, यही राजा राम है, हूँ नहीं राजा,
ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿਵੇਂ ਆਊ ਅਮਨ ਕਿਵੇਂ ਆਊ ਇਹ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਕਿੱਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਜਿੱਡਾ ਬੜਾ ਰਾਜਾ ਹੋਊ ਜਿੱਡਾ ਬੜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੇ ਦੀਸੇ ਲੋਕ ਤਿੰਨਕੋ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਰਹੋ ਜਿੰਨਾ ਬੜਾ ਉਨੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਜੋ ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਪਬਲਿਕ ਬਣ ਲੂਗੀ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਪਬਲਿਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਲੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਸੰਤ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਭਰਮ ਫਲਾਇਆ ਹੈ ਸਭ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜੂ ਪਬਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲੈਣੇ ਚੋਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪੈਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਬਲਿਕ ਪੈਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ 4-5 ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ 4 ਕੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 5 ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ